जय श्री राम मित्रों, हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद सहित पाठ पढ़ने व सुनने से कार्य में सिद्धि व सफलता मिलती है। भगवान हनुमान जी की कृपा से समस्त शत्रुओं का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम हनुमान चालीसा का पाठ हिंदी अनुवाद सहित सुनाएंगे। इसे श्रद्धापूर्वक आप श्रवण अवश्य करें, इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हनुमान चालीसा में सबसे पहले दोहा आता है। दोहा इस प्रकार से है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ, इन पंक्तियों में भगवान राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम के दोष रहित यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चार फलों को देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए, स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए, मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है कि हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर है, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत हैं, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जगत में जाने जाते हैं। हनुमान महावीर और बलवान हैं, उनका अंग वज्र के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि को देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ सुंदर वेश वाले व आपके कान में कुंडल शोभायमान होता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ, हनुमान जी के कंधे पर अपनी गदा है और वे हरदम श्री राम की आराधना व उनकी स्तुति में संलग्न रहते हैं। उनका दर्शन करने के लिए वे लालायित भी रहते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर के लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर के राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान गुणी अत्यंत बुद्धिमान हैं व श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव ही तत्पर व उत्सुक रहते हैं। हनुमान के महान तेज और प्रताप की सारा जगत ही वंदना करता है। लाय सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर शिवर लाई, रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह ही अपना प्रिय भाई माना। इससे हमें सीख लेना चाहिए, किसी काम को करने में देरी नहीं करना चाहिए, अच्छे फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, भगवान जी का ऐसा व्यक्तित्व है हनुमान जी का, जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर कवि और विद्वान कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाय राजपद दीन्ना। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है,
भगवान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर पाए थे। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, भगवान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन प्राप्त हुआ था। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, इन पंक्तियों से भगवान हनुमान के बचपन का ज्ञान होता है। जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझ करके उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। आपने वयस्का अवस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबा करके लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र तक पार कर दिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, हनुमान के होते हुए हमें किसी प्रकार का भय कभी सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सुमिरन करने से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त हो जाता है और यही कवच हमें भूत पिशाच आदि बीमारियों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है कि जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन में स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सरल व सफल हो जाएंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, आप सभी जगह समाय हो, आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है व आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फल स्वरूप आप श्री राम के प्रिय भी हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी आप कमजोर व मददगार की सहायता करते हैं व उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से हुआ है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुख भूल करके भक्त अंतिम समय में श्री राम के धाम में चला जाता है और वहां जन्म लेकर के हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवता को मन में न रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है कि हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय नम्र स्वभाव लोगों पर हमेशा दया ही करता है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। इस पंक्ति से तात्पर्य इसका अर्थ यह है कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको सिर्फ सुख व शांति प्राप्त होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो महान कवि तुलसीदास जी ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या है। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में हमेशा ही वास करें।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर राम चंद्रपति जय शरणम जय जय हनुमान हरि। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ, आप पवन पुत्र है, संकट मोचन है, आप मंगल मूर्ति है, वह आप देवताओं के ईश्वर श्री राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में हमेशा ही निवास कीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन श्री राम के भक्त श्री हनुमान के भक्त इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्यफल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलेंगे।